नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शिवपुरी के फिजिकल एकेडमी और साथी खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से पुलवामा के 42 शहीदों के नाम 42 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया और नाम दिया गया एक दौड़ शहीदों के नाम, जिसमें युवा खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। 14 फरवरी की सुबह सभी खिलाड़ी तत्ता टोपे समाधि स्थल पर एकत्रित हुए और दौड़ प्रारंभ की। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर ये सभी लोग एबी रोड 4 लाइन पर पहुंचे और वहां से शहर का पूरा चक्कर लगाकर वापस तत्ता टोपे समाधि स्थल पर ये दौड़ समाप्त की। वहीं इस मौके पर सीआरपीएफ के आईजी मूलचंद पवार ने सभी दौड़ में शामिल युवाओं और युवतियों का हौसला बुलंद किया। वहीं सीआरपीएफ आईजी का कहना है कि ये हमारे देश की एकता अखंडता को जोड़ने का काम है और युवाओं के द्वारा शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए ये रेस का आयोजन किया गया। आज इन जवानों ने, स्टूडेंट्स ने फास्ट ट्रैक एकेडमी के मार्फत ये 42 किलोमीटर की रेस का आयोजन पुलवामा के शहीदों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। मैं फास्ट ट्रैक एकेडमी का और इन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।